मेरा नाम रुखशंदा नाज है और करंटली मैं खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ की पहली ओम्बड्स पर्सन हूँ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन अगेंस्ट हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। मेरी जो बर्थ प्लेस है वो कोयटा है। फिर मेरे पेरेंट्स ने फैसला किया कि हमें बलूचिस्तान से अपनी आबाई जगह पे जाना चाहिए। मैं उस वक़्त तकरीबन 6-7 साल की थी जब अटक में आए, तो मुझे जो पहला स्कूल मिला वो पंजा साहब का मिला। तो जब मैं पहले दिन उस स्कूल में गई तो मुझे तो बहुत मेंटल शॉक लगा कि एक क्लासरूम से उठ के आना और एक दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ना। जब मैं हाई सेकेंडरी स्कूल में गई तो वहाँ पे फिर मुझे मज़ीद एथलेटिक्स और इन चीज़ों का और गर्ल गाइड का मुझे मौका मिला, उसमें मैंने हिस्सा लिया। पेशावर यूनिवर्सिटी जब मैं आई तो लॉ कॉलेज में मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आपका तो एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि आपका डोमिसाइल बलूचिस्तान का है, आपकी डिग्री पंजाब की है। अब लॉ कॉलेज में मैं परेशान खड़ी हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि आप वीसी से क्यों नहीं मिल लेती। डॉक्टर मतीन जो वाइस चांसलर थे उन्होंने मुझे कहा कि ये तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। उसी वक्त रजिस्ट्रार को बुलवाया और नोटिफिकेशन इशू करके लॉ कॉलेज में एक बलूचिस्तान के लिए सीट का के क्रिएट कर दो। तो इस तरह मेरी वजह से लॉ कॉलेज में बलूचिस्तान का जो कोटा था उसके लिए सीट क्रिएट की गई। हज़ार पंद्रह से मैं जो वो औरतें जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं मैं उनके लिए काम कर रही थी, मैं उनकी वॉइस इकट्ठी कर रही थी। पाकिस्तान में मैं अपने बाकी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ मिलके एक नेशनल आईडीपी पॉलिसी के ऊपर काम कर रही थी। उसके अलावा मैं अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में मैंने लॉज को रिव्यू किया और मैं इंस्टीट्यूशंस की ट्रेनिंग कर रही थी ह्यूमन राइट के, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और उसमें केपी गवर्नमेंट ने अचानक डिसाइड किया और मेरे लिए बहुत हैरत की बात थी क्योंकि लिस्ट में काफ़ी लोग थे, उसमें रिटायर्ड जजेस भी थे, उसमें मुझसे सीनियर लोग थे काफ़ी, और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी। और मुझे अचानक घर में पता चलता है कि मुझे इस प्रोविंस में पहली सूबाई मुतसिब मुंतखब किया जाता है। पाकिस्तान में ये पहला ऑफिस है ओम्बड्स पर्सन का। यहाँ से कोशिश की है कि तमाम इदारों में स्टैंडिंग इंक्वायरी कमेटीज़ मौजूद हो कि अगर कोई खातून या कोई मर्द या कोई ट्रांस ये अगर हरास हो अपने इदारे में तो वो कमेटी को रिपोर्ट कर सकें। उसके अलावा हमने हर डिस्ट्रिक्ट में फोकल पर्सन्स दिए हैं, अवेयरनेस कैंपेन की है, तो हम स्पेसेस भी क्रिएट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन भी इंश्योर कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये इसकी मौजूदगी में आने वाली लड़कियों को या ख्वातीन को डर के बैठ नहीं जाना चाहिए। ये लॉ उनके लिए है, उनको ये लॉ इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक आप लॉ को इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको उसका फ़ायदा या उसके का बेनिफिट आपको बिल्कुल नहीं मिल सकेगा।